हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हिस्ट्री होली। इस वीडियो में हम सूफिज़म और उसके मेजर ऑर्डर्स के बारे में देखेंगे। सूफिज़म कहाँ से स्टार्ट हुआ, इंडिया में ये कब और कैसे आया, और इंडिया में इसके कौन से मेजर ऑर्डर्स थे जो कि काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में थे, काफ़ी ज़्यादा प्रचलित थे, जिसको मानने वाले इंडिया में काफ़ी ज़्यादा लोग थे, और उन वो कौन कौन से मेन सूफी ऑर्डर्स थे। ठीक है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम डिटेल में देखेंगे। इसके साथ ही हम इसमें जानेंगे कि सूफिज़म एक्चुअल में है क्या, इसकी मान्यताएं क्या होती थी, इसमें लोग किस तरीके से मतलब कि सूफिज़म को अडॉप्ट करते थे, ये सारी चीज़ें हम डिटेल में इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ें इससे पहले जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें एंड शेयर कर दें। क्योंकि अगर आप एक हिस्ट्री स्टूडेंट हैं या हिस्ट्री आपके लिए कहीं से भी यूजफुल या हेल्पफुल है तो ये इस चैनल से आपको बहुत अच्छी और बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। ठीक है, तो आप फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अब हम बढ़ते हैं वीडियो में आगे और देखते हैं सूफिज़म के बारे में। तो सबसे पहले सूफी या सूफिज़म जो कि रिलेटेड होता है किससे, इस्लाम से। ठीक है, जो कि किससे, सूफिज़म इस्लाम से रिलेटेड है। एंड इसके अलावा द सूफीज ओरिजिनली ड्रू देयर आइडियाज फ्रॉम सर्टेन वर्सेस ऑफ कुरान एंड हदीस। ठीक है, तो जो सूफीज का आइडिया है वो ओरिजिनली उन्होंने ड्रॉ किया है कहाँ से, कुरान से। ठीक है, यानी कि कुछ वर्सेस ऑफ कुरान समथिंग, कुछ पार्ट ऑफ उनका जो है, जो सूफिज़म का आइडिया है वो कहाँ से है, कुरान से है, और कुछ पार्ट उसका क्या है, कुछ समथिंग, कुछ चीज़ें हदीस से हैं। ठीक है, जैसे जो उनको जो पार्ट कुरान से उनको सही लगा वो उन्होंने कुरान से अडॉप्ट किया है, और जो उनको हदीस में मतलब ठीक लगा, जो उनके ओपिनियन के हिसाब से या जो उनके हिसाब से मैच करता था वो उसने उन्होंने वहाँ से लिया। ठीक है, जिसको कि क्या बोलते हैं, ट्रेडिशंस ऑफ प्रोफेट, जो प्रोफेट मोहम्मद थे उनका ट्रेडिशन, जिसको कि बोलते हैं किसको, कुरान और हदीस को, वहाँ से ये दोनों चीज़ें, इन दोनों चीज़ों से कुछ कुछ आइडियाज सूफिज़म में या सूफीज के द्वारा ली गई हैं वहाँ से। ठीक है, सूफिज़म सबसे ज़्यादा, सबसे पहले फ्लरिस्ट कहाँ हुआ था, पर्शिया में। ठीक है, इसके बाद फिर सूफिज़म जो होता है वो कॉमनली किस में बिलीव करता है, कम्युनिकेशन में। ठीक है, इसमें बिटवीन मैन एंड गॉड में थ्रू लविंग डिवोशन। ठीक है, प्यार मोहब्बत की जो भाषा होती है उसके द्वारा गॉड और मैन। ठीक है, यानी कि जो नीचे लोग रहते हैं उनके बीच और जो ऊपर भगवान है, अल्लाह है, गॉड है, उनके बीच में जो कन्वर्सेशन होती है, जो बात होती है, जो कम्युनिकेशन होती है, ठीक है, उसमें क्या करती है, सूफिज़म बिलीव करती है। ठीक है, सूफिज़म का मानना है कि हम प्यार से यानी कि ईश्वर की भक्ति से, ठीक है, अल्लाह का अगर हम जो है भक्ति करें तो उससे हम क्या करते हैं कि हम अल्लाह से डायरेक्टली बात कर सकते हैं, गॉड से हमारा डायरेक्टली कनेक्शन हो सकता है, हम ईश्वर तक पहुंच सकते हैं, ये क्या है, सूफिज़म का मानना है। उसके बाद सूफिज़म की अपनी भी कुछ प्रैक्टिसेस होती हैं। ठीक है, जैसे कि ये कुरान और हदीस से तो ड्रॉ किए गए हैं, वहाँ से तो इन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें ली हैं, पर इसके अलावा इनकी अपनी भी प्रैक्टिसेस होती हैं, इनके अपने भी कुछ ओपिनियन और इनका अपना भी पर्सपेक्टिव होता है। ठीक है, जो कि जो ऑर्थोडॉक्स इस्लाम है उससे काफ़ी अलग होता है। ठीक है, ऑर्थोडॉक्स इस्लाम में काफ़ी सारे ऐसे रिचुअल्स होते हैं जो कि काफ़ी ऑर्थोडॉक्स होते हैं, जो कि सूफिज़म में अलाउ नहीं होते हैं, वो उसको फॉलो नहीं करते हैं। जैसे कि एक सबसे इम्पॉर्टेंट जो ऑर्थोडॉक्स इस्लाम होता है उसमें म्यूज़िक को बैन किया गया है, मतलब ऑर्थोडॉक्स जो इस्लाम होता है बोला जाता है कि उसमें म्यूज़िक मतलब कि अलाउ नहीं है, मतलब गाना बजाना जो होता है वो उसमें अच्छा नहीं माना जाता है। ठीक है, जबकि सूफिज़म इसको अलाउ करता है। सूफिज़म एक जो भक्ति का, भक्ति ट्रेडिशन होता है, एक जो भगवान की भक्ति, गॉड अल्लाह जो भी है उनकी भक्ति करने का माध्यम भी जो है क्या, संगीत को माना गया है, किसमें, सूफिज़म में, या और भी आप हिंदुइज़म में भी काफ़ी सारे भक्ति ट्रेडिशन, जब हम देखेंगे भक्ति ट्रेडिशन के बारे में उस वीडियो में, तो उसमें भी हम देखेंगे कि जो काफ़ी सारे भक्ति ट्रेडिशन के जो मानने वाले रहे हैं, जैसे मीराबाई वगैरह हो गई, ये सब इन लोगों ने किसका माध्यम लिया है, भगवान तक पहुंचने का, या भगवान की आराधना करने के लिए संगीत का माध्यम लिया है। इसी तरह सूफिज़म में भी संगीत को क्या किया गया है, एक माध्यम माना गया है अल्लाह से मतलब कि एक लविंग डिवोशन रखने के लिए। ठीक है, जबकि ऑर्थोडॉक्स इस्लाम क्या होता है, संगीत के अगेंस्ट होता है। ठीक है, और क्या करते हैं,
सूफीज जो होते हैं वो प्रोफेट मोहम्मद को भी अपना एज अ मोहम्मद क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि वो ऑर्थोडॉक्स इस्लाम की काफ़ी सारी चीज़ों को नहीं मानते हैं तो वो मोहम्मद पैगंबर साहब को नहीं मानते, वो उनको मानते हैं, वो उनको ही एज अ प्रोफेट एज अ मोहम्मद क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें वो उनकी मतलब कि कुरान की जो कि ऑर्थोडॉक्स इस्लाम है उसको क्या करते हैं, वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं। ठीक है, सूफी जो मूवमेंट है उसके मेनली दो एम होते हैं। ठीक है, दो एम थे जो कि पहला क्या था, टू मेक देयर ओन स्पिरिचुअल प्रोग्रेस, अपनी खुद की एक स्पिरिचुअल प्रोग्रेस बनाना। ठीक है, अपनी खुद की स्पिरिचुअल प्रोग्रेस से, अपने खुद के ध्यान से, जैसे कि आप देखते होंगे बहुत सारे, आप गौतम बुद्ध के बारे में जानते होंगे, जैन के बारे में जानते होंगे, महावीर जैन के बारे में, ये सब क्या करते हैं, इनका खुद का ओन स्पिरिचुअल प्रोग्रेस था, इन्होंने खुद से ध्यान किया, मेडिटेशन किया और इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो इसी तरह टू मेक देयर ओन स्पिरिट, अपनी खुद की इन्होंने क्या किया, स्पिरिचुअल प्रोग्रेस खुद किया। ठीक है, खुद में डेवलपमेंट किया एंड टू सर्व मैनकाइंड। ठीक है, और क्या किया, इनका मानना क्या था, मानवता की सेवा करना, सारे जन बराबर हैं और उन सब की सेवा करना ही इनका क्या था, ये दो मेन एम थे, मेन गोल थे सूफिज्म के या सूफी मूवमेंट के। सूफिज्म जो है स्टार्ट हुआ वो एज अ रिफॉर्म मूवमेंट स्टार्ट हुआ। आपने देखा होगा कि काफ़ी सारे जो धर्म स्टार्ट होते हैं, जो भी रिलीजन स्टार्ट होता है, जो भी उनके मानने वाले होते हैं, स्टार्टिंग में तो वो एक्चुअल फॉलो करते हैं जो भी बोला जाता है। ठीक है, क्योंकि धर्म में सारी अच्छी बातें बोली गई होती हैं, वो कोई भी धर्म हो। ठीक है, लेकिन स्टार्टिंग में तो लोग फॉलो करते हैं उसको, लेकिन फिर क्या करते हैं, वो जो कुछ उसमें ऊपर लोग बैठे होते हैं वो अपने आइडियाज़, अपने ओपिनियन के हिसाब से उसमें कुछ चेंजेस करते जाते हैं। ठीक है, और टाइम के साथ साथ लोग क्या करते हैं, ओरिजिनल वाले को भूल जाते हैं और उसी को फॉलो करने लग जाते हैं। तो ऐसे क्या होता है, काफ़ी सारी मतलब कि बुराइयाँ, काफ़ी सारी कुरीतियाँ उस चीज़ से क्या होती हैं, उस धर्म से जुड़ जाती हैं। ये जनरली हर रिलीजन के साथ ऐसा होता है। ठीक है, तो टाइम टाइम पे क्या, जो जो भी लोग होते हैं जिनको जब पता चलता है, उनको ज्ञान की प्राप्ति होती है, उनको एक्चुअल चीज़ें पता चलती हैं, तो वो क्या करते हैं, जो भी उसमें बुराइयां आ चुकी होती हैं उनके धर्म में, उनके रिलीजन में, वो उसको रिफॉर्म करने की कोशिश करते हैं, उसको दूर करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जनरली जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो ही ऐसा कोई, जैसे कि आप हिंदुइज़्म में भी देखेंगे काफ़ी सारे रिफॉर्म मूवमेंट हुए हैं। ठीक है, हिंदुइज़्म को लेके जैसे कि मॉडर्न हिस्ट्री में राजा राममोहन रॉय वगैरह ये सब क्या थे, इन सब ने काफ़ी जो है हिंदुइज़्म को रिफॉर्म करने की कोशिश की। इसके अलावा काफ़ी सारे मतलब कि हर रिलीजन में ऑलमोस्ट ऐसा होता ही रहता है। तो इसी तरह सूफिज़्म जो स्टार्ट हुआ वो भी एज अ रिफॉर्म मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, और इसने किस पे इम्फेसिस किया था, फ्री थिंकिंग पे, कि आप फ्रीली सोचो, लिबरल आइडियाज़ पे, यानी कि बहुत ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स बन के नहीं रहना है आपको, आपको एक लिबरल आइडियाज़ का क्या करना है, फॉर्मेशन करना है, आप उसको अडॉप्ट करिए लिबरल आइडियाज़ को। इसके साथ ही साथ टॉलरेशन को, आप सबके साथ क्या करनी, सहिष्णुता की भावना रखिए, आप सबके साथ टॉलरेशन वाली फीलिंग रखिए सब, क्योंकि सारे धर्म एक हैं, सब समान हैं और सारे लोग समान हैं, हमें मानवता की सेवा करनी चाहिए, फ्री थिंकिंग में रहना चाहिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या की, सूफिज़म ने स्टार्ट की एज अ रिफॉर्म मूवमेंट। ठीक है, इनका क्या मानना था, इनका मानना था कि हर इंसान, सारे ह्यूमन बीइंग क्या हैं, इक्वल हैं, सब में इक्वलिटी की भावना होनी चाहिए और सब में भाईचारे की भी भावना होनी चाहिए, एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए। ये सारी क्या थी, सूफिज़म का ओपिनियन था, उनका जो है अपना पर्सपेक्टिव था। ठीक है, एज अ रिफॉर्म मूवमेंट उन्होंने ये सारे आइडियाज़ क्या किए, प्रोपेगेट किए, उसको फैलाया, उसका प्रचार प्रसार किया। इसके साथ ही सूफिज़म इंडिया में ऑलमोस्ट 12th century में पहुंचा। ठीक है, 12th century में पहुंचा, और जबकि ये इन्फ्लुएंस हुआ, मतलब ये काफ़ी ज़्यादा फैला, इसका प्रसार प्रचार प्रसार हुआ ऑलमोस्ट 13th and 14th century में। ठीक है, अबुल फजल जो हैं, अबुल फजल जिन्होंने कि 14 सूफी सिलसिला क्या किए हैं, अपने आईने अकबरी जो कि अबुल फजल की एक राइटिंग है उसमें इन्होंने क्या किया है, मेंशन किया है 14 इम्पॉर्टेंट सूफी सिलसिला। ठीक है, इसके अलावा जो सूफिज़म है वो क्या करता है, जो एक्सेसिव इम्पॉर्टेंस देता है किसको, पीर जिसको कि टीचर बोलते हैं और मुरीद जिसको कि डिसाइपल बोलते हैं। ठीक है, यानी गुरु और शिष्य के बीच में क्या करते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा सूफिज़म, क्योंकि आप इनका मानना है कि अगर आप कोई भी नॉलेज गेन करेंगे तो किसके द्वारा, किसी न किसी टीचर, किसी न किसी गुरु, किसी न किसी पीर के द्वारा। ठीक है, तो पीर और मुरीद के बीच में एक क्या करते हैं, ये इंपॉर्टेंट कनेक्शन ड्रॉ करते हैं, एक एक्सेसिव इंपॉर्टेंस रिलेशन क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं। ठीक है,
और इनका मानना है कि जो और इस ट्रेडिशन में क्या होता है कि जो एवरी पीर होता है, जो सारे पीर होते हैं, वो जनरली जब उनका टाइम ख़त्म होता है यानी कि उनकी जब डेथ होती है, जब भी उनका ख़त्म होता है टाइम, वो क्या करते हैं, अपना एक वाली जो है अपॉइंट करते हैं, नियुक्त करते हैं, जिसको कि सक्सेसर बोलते हैं, ठीक है, यानी कि उत्तराधिकारी, अपना एक उत्तराधिकारी क्या करते हैं, नियुक्त करते हैं सूफी आइडियोलॉजी के अकॉर्डिंग, ठीक है। उसके अलावा जो मेजर सूफी ऑर्डर्स हैं, यानी कि आपने अभी देखा अबुल फजल ने कितने आईने अकबरी में 14 सूफी ऑर्डर्स, 14 सूफी सिलसिला की, ये जो सूफी ऑर्डर होते हैं उनको सिलसिला बोला जाता है, ठीक है। तो ये 14 सूफी सिलसिला की क्या किया है के बारे में बताया है, ठीक है, जिसमें कि कुछ इंपॉर्टेंट 6 सूफी सिलसिला थे, सूफी ऑर्डर्स थे, जो कि इंडिया में काफ़ी ज़्यादा फेमस थे, प्रचलित थे, ठीक है। जिसमें एक इम्पॉर्टेंट, सबसे इम्पॉर्टेंट वो क्या था, चिश्ती सिलसिला, नेक्स्ट हमारा था सुहरावर्दी सिलसिला, एंड फिर था फिरदौशिया, एंड नेक्स्ट कादरी सिलसिला, एंड सत्तारी सिलसिला, एंड नक्शबंदी सिलसिला, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट सिलसिला थे 6, जो कि इंडिया में काफ़ी ज़्यादा फेमस थे मिडिवल टाइम पीरियड पे, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में इन सारे सिलसिला के बारे में डिटेल में देखेंगे कि इन सिलसिला में कौन कौन से इंपॉर्टेंट जो है जो सूफी हुए थे, ठीक है, उनकी क्या आइडियोलॉजी थी, वो किसके कंटेम्परेरी थे, क्योंकि मिडिवल हिस्ट्री में जो मुगल और सल्तनत कालीन किंग्स बादशाह आ रहे थे उसमें कौन से किसके कंटेम्परेरी थे, ये सारी चीज़ों के बारे में हम डिटेल में इसके नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।